हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो ये सारी ट्रिक्स हम इसमें देखेंगे। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के लिए हमारे टारगेट बैच इस समय चल रहे हैं इंग्लिश के लिए और जीके के लिए। यदि इनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं और इन टारगेट बैच के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एक ये रियल क्लोज टेस्ट मैंने लिया है और ये एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्लोज टेस्ट में बेसिकली पूछा गया जाता है, क्लोज टेस्ट वोकेबलरी का भी टेस्ट होता है और क्लोज टेस्ट बेसिकली टेस्ट होता है वर्ड कॉम्बिनेशंस का, कि कहाँ पर आपको कौन सा वर्ड लगाना है, किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो वोकेबलरी का टेस्ट भी होता है ये, और निश्चित रूप से आपका ग्रामर का भी टेस्ट होता है और वर्ड कॉम्बिनेशन कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना है उसका भी ये टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और क्लोज टेस्ट तो कभी भी जैसे ही आपको फर्स्ट ब्लैंक मिलता है उस समय आपको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा आपको आगे तक पढ़ना है, 3-4 ब्लैंक तक पढ़ना है, तो उससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाता है कि किस बारे में है ये क्लोज टेस्ट, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। पूरा भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइब्रेरी, तो निश्चित रूप से ये मतलब है कि लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इनवेल्यूबल हेल्पिंग, तो लाइब्रेरी की क्या वैल्यू है उसके बारे में इसमें बात हो रही है। द लाइब्रेरी इफ़ यूज प्रॉपरली इज़ इनवेल्यूबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट क्या होता है? डिसर्नमेंट का मतलब होता है समझ, ठीक है, एक प्रैक्टिकल विजडम जिसको हम बोलते हैं, या समझ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ही इज़ ए वेरी डिसर्निंग पर्सन। डिसर्निंग पर्सन मतलब वो परसेप्टिव है, वो चीज़ों को समझता है और एनालाइज कर सकता है। तो डिसर्नमेंट का अर्थ होता है एक समझ हमें हमें डेवलप होती है लाइब्रेरी की मदद से। द लाइब्रेरी इफ़ यूज प्रॉपरली इज़ इनवेल्यूबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट, मतलब लाइब्रेरी को यदि प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो ये इनवेल्यूबल हो सकती है। एक होता है वैल्यूबल, इसका मतलब होता है कीमती, और एक होता है इनवेल्यूबल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो अमूल्य है, ठीक है, इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है, इट इज़ रिच इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, रिच के दो मतलब होते हैं, एक तो रिच का मतलब होता है अमीर या पैसे वाला, और एक रिच का मतलब होता है परिपूर्ण, किसी चीज़ से भरा हुआ, किसी चीज़ के साथ एबंडेंट। तो यहाँ पर रिच जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो अमीर के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि लाइब्रेरी जो होती है वो अमीर नहीं होती है, लाइब्रेरी परिपूर्ण होती है इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस सेंस में रिच का यूज़ हो रहा है, और इस सेंस में जब हम रिच को यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं इन, इट इज़ रिच इन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिच ऑफ हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, या रिच फॉर हम नहीं बोल सकते, इट इज़ रिच इन इन्फॉर्मेशन दैट गोज़ फार बियॉन्ड द। अब सेकेंड में क्या ऑप्शन हो सकता है, दैट गोज़ फार बियॉन्ड द ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जब देखिए लिमिट्स दिया है, पेजेस दिया है, ठीक है, और कन्फाइंस दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखिए बियॉन्ड के साथ लिमिट डेफिनेटली आ सकता है, गोज बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट भी होता है, बियॉन्ड द लिमिट्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि क्योंकि लिमिट्स कई तरीके की हो सकती हैं, सीमाएं आपकी कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल लिमिट्स, फिजिकल लिमिट्स, मेंटल लिमिट्स, तो जब बियॉन्ड द लिमिट जाने की बात होती है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस भी दिया है। और लिमिटेशंस एक्चुअली नाउन की तरह भी यूज़ होता है, लिमिटेशंस तो केवल नाउन की तरह ही यूज़ होता है, सीमाएं, और लिमिट जो है ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही यूज़ हो सकता है। जैसे आई कैन लिमिट योर पावर, यहाँ पर मैंने लिमिट को वर्ब की तरह यूज़ किया है, या मैं बोल सकता हूँ दीज आर माई लिमिट्स, ठीक है। तो नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही इसको यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेशंस को हम केवल नाउन की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड द लिमिटेशंस, बियॉन्ड द लिमिट्स होता है एक्चुअली, बियॉन्ड द लिमिटेशंस नहीं होता, लेकिन ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, इसलिए इन दोनों का आंसर होना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि लिमिट और लिमिटेशंस एक तरीके से सिनोनिम है। और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दैट गोज़ फार
बियॉन्ड द पेजेस ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक। यहां पर एक्चुअली हम बुक की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किसी किसी दायरे से, एक एक टेक्स्ट बुक के दायरे से वो बाहर हो सकती है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा कन्फाइंस। कन्फाइंस का अर्थ होता है सीमाएं, यानी उसका दायरा किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दैट गोज फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, ठीक है। थर्ड में हम देखते हैं योर टेक्स्ट बुक ऑथर डजेंट मेक अ पर्टिकुलर, देखिए यहां पर क्लियर जो बुक होती है वो किस चीज को क्लियर करती है, वो एक्सप्लेनेशन को क्लियर करती है। तो यहां पर आपका जो चॉइस होगी वो होगी, इंफॉर्मेशन भी दिया है वैसे इसमें, तो इसमें होगा आपका फोर्थ में हो सकता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ही सही आंसर होगा। और यहां पर चूंकि हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि यदि आपका टेक्स्ट बुक ऑथर किसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को क्लियर नहीं करता है, ठीक है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं इफ। व्हाइल एक्चुअली कंजक्शन होता है, व्हाइल नहीं आएगा, व्हेन होता है टाइम रिलेटेड और सपोज होता है इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम रियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इफ जो है वो राइट चॉइस रहेगी। टेक्स्ट बुक और कोर्स, इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डजेंट मेक अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा प्रॉपर वर्ड है यहां पर, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन क्लियर, क्योंकि जो बुक होती है उसमें एक पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको क्लियर किया जाता है। टेक्स्ट बुक ऑथर डजेंट मेक अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन क्लियर एंड यू फील द नीड, यदि आपने एक बुक पकड़ी और उस एक बुक में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का या पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यू फील द नीड अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल। आपको लगता है कि किसी दूसरी बुक को देखा जाए जिसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ज़्यादा डिटेल में दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर नीड के बाद क्या आएगा, नीड के बाद इसमें फॉर भी दिया है और ऑफ भी दिया है, और नीड के बाद दोनों ही वर्ड आ सकते हैं, फॉर भी आ सकता है ऑफ भी आ सकता है। जब हम यहाँ पर चूंकि देखिए फॉर हम तब लगाते हैं जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, और ऑफ हम तब लगाते हैं जब हम लैक ऑफ नीड की बात करते हैं। जैसे आई एम इन द नीड ऑफ अ न्यू कोट, आई एम इन द नीड ऑफ अ न्यू कोट, या ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें हम ये चीज़ एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मुझे नए कोट की ज़रूरत है, आई एम इन द नीड ऑफ न्यू कोट। और यदि मैं बोलता हूँ आई एम इन द नीड फॉर ए न्यू कोट, तो इसमें हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट की ही बात हो रही है, तो नीड फॉर कहना यहाँ पर ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो फिफ्थ में आपका आंसर होगा नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल। सिक्स में क्या होगा, इन ग्रेटर डिटेल, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हमें जो एक्सप्लेनेशन चाहिए या तो ज़्यादा डिटेल में चाहिए या फिर दूसरे शब्दों में चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा और, क्योंकि ये मिलते जुलते वर्ड हैं, या तो हमें ग्रेटर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए या हमें दूसरे शब्दों में चाहिए। तो ये दोनों इक्विवेलेंट एंटिटी हैं, ये दोनों एक एक जैसे ही एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मतलब या तो हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एंड नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा और। गो टू द लाइब्रेरी एंड, यदि आपको बेटर एक्सप्रेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, गो टू द लाइब्रेरी एंड अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप कलेक्ट नहीं करेंगे बुक्स को, बुक्स को वेरीफाई भी नहीं करेंगे। वेरीफाई का मतलब होता है कि सत्यापन करना, बुक्स को आप सत्यापित नहीं करेंगे। सत्यापन करने के लिए तो आपको कोई और व्यक्ति चाहिए जो उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। आप खुद जाके वहाँ पर चेक करेंगे, अलग अलग बुक्स में आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइडेंटिफाई का अर्थ होता है पहचान करना, तो पहचान करना भी यहाँ पर गलत वर्ड होगा, कलेक्ट भी गलत वर्ड होगा, यहाँ पर सही वर्ड होगा आपका चेक, आप चेक करेंगे उसको। इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स, गो टू द लाइब्रेरी एंड चेक अदर बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट बाय कॉलिंग टू और थ्री राइटर्स। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉलिंग के बाद क्या आएगा, मतलब यदि आपको एक राइटर की बुक में सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे राइटर की तरफ टर्न करेंगे, यू विल टर्न टू अनदर राइटर, ठीक है। और टर्न टू के लिए जो सेंस निकलेगा वो कॉलिंग अपॉन से निकलेगा, कॉलिंग फॉर से नहीं निकलेगा। कॉलिंग फॉर का अर्थ होगा डिमांड करना, कॉल फोर्थ का अर्थ होता है आगे आना,
कॉल फोर्थ एक्चुअली इमोशंस को व्यक्त करने के लिए भी यूज़ होता है, और कॉल अप का अर्थ होता है फ़ोन करना। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉल अपॉन, बाय कॉलिंग अपॉन टू और थ्री राइटर्स डीलिंग विद द सेम टॉपिक, क्योंकि सेम टॉपिक पर आप सर्च कर रहे हैं। डीलिंग विद द, अब देखिए इसमें एक लॉजिक और बताता हूँ, जो सेम जो वर्ड है उससे पहले हमेशा हम द लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेम ही सही हो सकता है। सेम टॉपिक, यू विल फाइंड सम, यू विल फाइंड सम, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन ही सही रहेगा, वैसे क्लैरिफिकेशन भी दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दिया है, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन वर्ड को ही हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन वर्ड यहाँ पर सही रहेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, यू विल फाइंड सम एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, इन सीकिंग एडिशनल सोर्सेज यू विल हैव गेन्ड इमेजरेबली, जब आप एडिशनल सोर्सेस को पढ़ेंगे और दूसरी किताबें देखेंगे तो यू विल हैव गेन्ड इमेजरेबली, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उससे लाभ हो चुका होगा। फॉर, फॉर यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक कंजक्शन है, क्योंकि आगे एक सेंटेंस दिया है, ठीक है। फॉर यू विल हैव सीन व्हाट सेवरल एक्सपर्ट्स परसीव बीइंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अ कॉमन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपको लॉजिक फिल करना होता है, उसको जस्टिफाई करना होता है अपने आंसर्स को, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को इस तरीके से आपको मास्टर करना है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी आप ला सकते हैं। इस तरह के क्लोज टेस्ट में और भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, और क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फुल ग्रामर, यदि इन सारे चीज़ों पर आप मास्टर करना चाहते हैं और SSC CGL एग्ज़ाम में आप सक्सेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव टारगेट बैच अभी चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर बात कर सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।